मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में वॉक इन इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि 30 मार्च 2024 है। उच्च शिक्षा में दीर्घकालिक करियर तलाशने हेतु संपर्क करें। नमस्कार, NIN में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबरें। भारत और नेपाल के अधिकारियों की समन्वय समिति बैठक मंगलवार को पिथौरागढ़ के विकास भवन में संपन्न हुई। जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र के अपने अपने मसले उठाए। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भारत में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के साथ ही 72 घंटे पहले सीमा सील करने पर सहमति जताई। हमारे जो कंसर्न है उनको बताए गए हैं और जो हमारा 19 तारीख को जब हमारा पोल डे होगा उससे पहले 72 घंटे पहले वहाँ हमारी जो बॉर्डर है वो सील कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ पूरे इलेक्शन के टाइम सघन चेकिंग वहाँ पर होगी और हमारी FST की टीमें SST की टीमें तैनात रहेंगी, वो जगह जगह पर चेकिंग करेंगी। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन नेपाल के दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को हम लोगों ने यहाँ से प्रोवाइड की है और उनसे सहयोग की अपील की है और ये भी उनसे उम्मीद की है कि ये इन्फॉर्मेशन वो अपने नागरिकों को पहुँचा दें ताकि एन टाइप पे किसी को जो सामान्य आवागमन होता है या सामान्य तरीके से लोग बाग होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन ना हो तो कोई हरेसमेंट जैसा फील ना करें। साथ ही धारचूला तहसील के अंतर्गत तटबंध निर्माण के दौरान नेपाल की ओर से हुए पथराव का मामला बैठक में रखा गया। घटगाड़ में भारी मात्रा में मलबा जमा होने से नदी का बहाव प्रभावित होने की दिक्कत भी बताई गई। नेपाल की ओर से भारत में पेंशन ले रहे अपने नागरिकों को आसानी से पेंशन दिलाने के साथ ही काली नदी में जमा मलबे की सफाई को लेकर बात रखी गई। बैठक में तय किया गया कि मानसून काल से पहले काली नदी का चैनलाइजेशन दोनों देश कराएंगे जिससे नदी का बहाव सामान्य बना रहे और किसी भी देश को किसी तरह का नुकसान ना हो। हाम्रो जस्तो आचार संहिता को पालना को सम्बन्ध में आज मीटिंग आह्वान गरिएको थियो DM साहबबाट भने छि हामीले त्यो यहाँ को निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न करना को लगी हम तरफ बा होने हम जिला को तरफ बा होने संपूर्ण सहयोग करने का लगी हमें तत्पर रहेका छौं र यस अगाडि पनि हाम्रा ये निरंतर मीटिंग भई नई रहेका हुन्थे। दार्चुला की CDO किरण जोशी ने भारत से फ्रिज वॉशिंग मशीन जैसे बड़े आइटमों में GST लिए जाने के बावजूद सीमा क्षेत्र में कस्टम और SSB द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिए जाने का मामला बैठक में रखा। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी ने इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। चंपावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडे और धारचूला के उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह ने नेपाल और भारत में BI जाने वाली बेटियों की नागरिकता को लेकर अपनी बात रखी। इसके अलावा नशे की रोकथाम, मानव तस्करी, काली नदी में रिवर राफ्टिंग, एंगलिंग व स्पोर्ट्स गतिविधियां होने पर भी चर्चा की गई। बैठक में चंपावत के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव, मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल, पिथौरागढ़ के संयुक्त मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा, बैतड़ी के CDO भीमकांत शर्मा, SSB, कस्टम, नेपाल शस्त्र प्रहरी के अधिकारी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ निवासी एक सैनिक की हल्द्वानी में सड़क हादसे में मौत हो गई। TP नगर चौकी इंचार्ज दीपक बिश ने बताया कि सैनिक ललित सिंह उम्र 40 वर्ष रुद्रपुर से अपने घर मुखानी की ओर आ रहे थे। टांडा बैरियर के पास कैंटर से उनकी स्कूटी टकरा गई। ललित गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल सुशीला तिवारी अस्पताल लाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चौकी इंचार्ज दीपक बिश ने बताया कि कैंटर चालक जवाहर सिंह निवासी उत्तम नगर दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया है। जवान ललित सिंह पिथौरागढ़ जिले के नाचनी क्षेत्र के बारातोली गांव के रहने वाले थे और वर्तमान में हल्द्वानी में रह रहे थे। उनकी पोस्टिंग दिल्ली में 17 महल रेजिमेंट में थी। पिथौरागढ़ में पहली बार एशियन स्कूल लेकर आ गया है। AI लर्निंग और 5G प्ले ग्रुप, एकेडेमिक लर्निंग के साथ साथ स्पोर्ट्स, इनोवेटिव करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और भी बहुत कुछ। अब वसंत पंचमी से हर एडमिशन होगा बिल्कुल फ्री, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें एशियन स्कूल पिथौरागढ़। मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने पर जिले के राज्य आंदोलनकारी ने न्यायालय का आभार जताया। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी गोपू मेहर की अगुवाई में शहीद स्मारक पर एकत्र हुए राज्य आंदोलनकारी ने कहा कि 30 वर्ष के इंतजार के बाद दोषियों को सजा मिली है। आंदोलनकारी ने अन्य दोषियों को भी दंडित किए जाने की मांग की। गोपू मेहर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी आभार जताते हुए कहा कि
वर्तमान में उत्तराखंड की कमान युवा राज्य आंदोलनकारी के हाथ में है और राज्य आंदोलनकारियों के सपनों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर भगवान पंत, उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष तपन रावत, गोलू पाठक, अनिल रौतेला सहित तमाम लोग मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस जिले में पूरी तरह अलर्ट हो चुकी है। जिले भर में फ्लैग मार्च के बाद थानों में ब्रीफिंग कर जवानों को उनके दायित्व समझाए जा रहे हैं। मंगलवार को अस्कोट के थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र जोशी, बलवाकोट के थाना अध्यक्ष अनिल आर्य ने अपने अपने क्षेत्र में तैनात पुलिस जवानों, होमगार्ड के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक से प्राप्त निर्देशों की जानकारी जवानों को दी गई। जवानों से क्षेत्र में नियमित गश्त करने और अपराधी शांति भंग करने वालों के खिलाफ निवारक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सभी जवानों को निर्देश दिए गए कि वह अपने अपने क्षेत्र के शस्त्र धारकों से शस्त्रों को थाने में जमा करवाए। बनबसा थाना क्षेत्र से लापता हुई 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को पुलिस ने बिहार से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने सुराग और सर्विलांस के जरिए बालिका के बिहार में होने का पता लगाया। अपर उप निरीक्षक रविचंद्र जोशी की अगुवाई में बिहार के भितवा पहुंची पुलिस टीम को बालिका सकुशल मिल गई। बालिका को बनबसा वापस ले आया गया है। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार एवं पंचकर्म केंद्र। यहाँ पर सभी जोड़ों के दर्द, गठिया वात, घुटना दर्द, स्लिप डिस्क, सायाटिका, दबीनस, सर्वाइकल, पीठ दर्द, गैस, अनिद्रा, मोटापा आदि हेतु थेरेपी दी जाती है। साथ ही निशुल्क योग, नाड़ी परीक्षण, परामर्श व औषधि वितरण भी किया जाता है। आज ही सेवा का अवसर दें। श्री शिवाश्रम, नियर विशाल मेगा मार्ट, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। NIN सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।